हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बंगाली थ्रिलर वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है शब्दो जब्दो। ये होइचोई का ओरिजिनल वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है सौरभ चक्रवर्ती ने। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट्स तक है। इस वेब सीरीज पे आप मेन कास्ट पे देख सकते हैं रजत कपूर को, मुमताज सरकार, पायल सरकार और सुब्रत दत्त को। सौगत सिन्हा जो एक फेमस राइटर है और वो कोलकाता आता है अपने फैमिली के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ, और उसका नेक्स्ट जो प्लॉट है राइटिंग का वो है कोलकाता में, और वो कुछ दिनों से फुल्ले का बीमारी से गुजर रहा होता है और उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है उसका दोस्त, और उसको कुछ दिनों से बहुत ही हेलुसिनेशन होता रहता है। मतलब उसका कुछ गुजरा हुआ पास्ट जो भूल चुका है वो बार बार उसके सामने आता रहता है, और वो उसका हेलुसिनेशन और गुजरा हुआ पास्ट से छुटकारा पाना चाहता है। और उसका पास्ट क्या है इसके लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। मैं होइचोई में जितना वेब सीरीज देखा हूँ उन सबसे ये वेब सीरीज़ बहुत ही अलग है और बहुत ही हाई लेवल का है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा वेब सीरीज़ होइचोई ने बनाया है। अब बताते हैं इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्टोरी। इसका स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया, बहुत ही टाइम लेके और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका स्टोरी को लिखा गया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस वेब सीरीज़ में आपको बहुत ही अच्छा एडिटिंग देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा सिनेमाटोग्राफी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हर एक सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया है। अगर इस वेब सीरीज़ का स्क्रीन प्ले का बात करें तो स्क्रीन प्ले मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, थोड़ा फास्ट हो सकता था, थोड़ा एंगेजिंग हो सकता था, मगर उतना एंगेजिंग नहीं है। इस वेब सीरीज में सबका एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। इस वेब सीरीज में रजत कपूर का एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगा। रजत कपूर का एक्टिंग और जो फेस का एक्सप्रेशन है सिचुएशन के हिसाब से वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके फेस का एक्सप्रेशन जो होना चाहिए था मुझे ऐसा लगा। पायल का एक्टिंग का बात करें तो उसका एक्टिंग मुझे ठीक ठाक लगा और मुमताज का एक्टिंग भी ठीक ठाक है, मगर रजत कपूर के सामने कुछ नहीं है। इस वेब सीरीज़ का पहले का 5 एपिसोड्स एक ही फ्लो में चलता रहता है, उसके बाद वाला 6 और 7 एपिसोड में स्टोरी थोड़ा टर्न लेता है और थोड़ा फ्लो पकड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा। अगर इस वेब सीरीज़ के डायरेक्शन का बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा बेटर हो सकता था, मुझे इसका डायरेक्शन एवरेज लगा। अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट का बात करें तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होते। और यहाँ पे जो थ्रिल और सस्पेंस है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहता है, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पे BGM की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे BGM का यूज़ आप देख सकते हैं। और अगर एंडिंग का बात करें तो यहाँ पे इस मूवी को बहुत ही अच्छी तरीके से एंड किया गया है, इसका एंडिंग मुझे बहुत ही पसंद आया है। ये वेब सीरीज़ मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही थ्रिलर वेब सीरीज़ और मूवीज़ हमारा बंगाल इंडस्ट्री में और भी होना चाहिए, तो हमारा बंगाल इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक टेक केयर, जय हिंद।